हैरत है, तुम लोगों में इतनी तहकलामी हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैं कहाँ थी उस वक्त जब वो इतना गुस्सा हुआ? तुम उन आंटी के साथ रिपोर्टिंग करने में मसरूफ थी ना। वैसे तुम भी ना बहुत पागल हो यार। एक तरफ तो सच जानकर खुशी से पूरी रात जागती रही, दूसरी तरफ इतनी नाराज कि सब छोड़कर कॉलेज आ गई। अजीब लॉजिक है तुम्हारी। लॉजिक ही तो समझ में नहीं आ रही है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि कैसे रिएक्ट करूँ। वैसे तुम्हारी कंफ्यूजन तो साफ नजर आ रही है, लेकिन वो तुम्हारे लिए कुछ फील करते हैं तभी तो उन्होंने आंटी से झूठ बोला, और ये गुड न्यूज है। अरे बाबा, फील तो करना ही था ना, अब मुझे देखकर कोई नजरअंदाज थोड़ी कर सकता है। लेकिन जो उन्होंने अम्मी जी से कहा ना, मुझे उस बात की वजाहत चाहिए, बस चाहिए। यार वो डर गए होंगे, शरीफ लड़के ना अक्सर डर जाते हैं। हो सकता है आंटी ने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ देख लिया हो, इसीलिए सवाल कर लिया हो, और उन्हें कोई बहाना मिला नहीं तो उन्होंने झूठ बोल दिया। डरते वरते वो किसी से भी नहीं है, बल्कि घर वाले खुद उनके गुस्से से डरते हैं। बात सुनो, लड़के जितने भी हीरो बन जाए, लेकिन जब बात मोहब्बत की आती है ना, तो सबसे पहले उनकी अम्मा अब्बा के सामने जुबान बंद हो जाती है। कुछ और कह देते, कुछ भी कह देते, मैं कोई यतीम मिसकीन हूँ कि लोग मुझ पे जुल्म करते हैं और वो मुझे बचाने के लिए मुझे अपने साथ रखते हैं। यार बात डर की नहीं होती, बात होती है लिहाज की। वो झिझक गए होंगे, वरना खुद सोचो जिस बिहेवियर की वो बात करें, किसका बिहेवियर तुम्हारे साथ इतना खराब है जिससे वो बचाते फिरेंगे तुम्हें? हाँ ये तो है, वो तो खुद मुझे कुछ नहीं कह सकते। अम्मी जी की जो बेटी हूँ, कोई मामूली बात थोड़ी है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? शायद तुम ठीक कह रही हो, मोहब्बत तो उन्हें मुझसे होनी थी। शायद अम्मी जी के सामने ना वो घबरा गए होंगे और मुझे भी कंफ्यूज करते। हाँ, और इसी कंफ्यूजन में कल तुम स्टेज पर दुल्हन से मिलने भी नहीं गए। वो कोई और वजह थी। अब क्या वजह थी? सुहेल भैया। सुहेल भैया ने क्या किया? हैरत है, तुम्हारे सुहेल भैया ने तुम्हारी अपनी बेगम से शिकायत कर दी? ऐसे लगते तो नहीं है मुझे वो। बात शिकायत की नहीं है, बात झूठ की है। उन्होंने मेरी झूठी शिकायत की है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, शैला आंटी को भाभी की हरकत का बता दो। अगर उस दिन तुम बता देती ना, तो आज ये सब नहीं होता। मानो या ना मानो, सुहेल भाई के कान भाभी ने ही भरे। बस कर दो, भाभी ने कुछ भी नहीं कहा। असल शिकायत ना सुहेल भैया ने लगाई। चाय भी ठंडी हो गई, मैं दूसरी लेकर आता हूँ। सॉरी, इतनी जल्दी क्या है? क्लास अटेंड करने जा रही हो क्या? हेलो, कर लो फॉर चेंज। तुम लोग जा रहे हो ना क्लास अटेंड करने, जाओ और जाकर टॉप करो। नहीं जा रही मैं। रिलैक्स रिलैक्स। लेकिन महापारा वो ठीक ही कह रही है, तुम लाइब्रेरी में टाइम वेस्ट करने के बजाय तुम अगर कुछ पढ़ लो तो तुम्हारी जीपी अच्छी बन जाएगी। लाइब्रेरी में बैठकर मेरी जीके अच्छी बन रही है ना, वो काफी। जीके मतलब? जनरल नॉलेज। इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ के तुम कौन सी जनरल नॉलेज पढ़ा रही हो? तुम्हें किसने कहा कि मैं नॉवेल्स पढ़ रही? किसी के कहने की क्या जरूरत है? सबको पता है तुम लाइब्रेरी में बैठ के रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ती हो। वेरी फनी। ये फनी नहीं है, एक्चुअली तुम लकी हो, इतने कम नंबर्स पे भी तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वरना तुम्हें पास तो हो जाती हूँ ना। वही तो कह रही हूँ, रोजाना अगर तुम दो पीरियड लेने की जगह पूरी क्लासेस लोगी तो तुम टॉप कर सकती हो। कॉलेज की बुक्स खोलने का ना मेरा दिल नहीं करता, इनमें वो खुशबू ही नहीं आती जो राइद की किताब। प्लीज अपना ये राइद नाम स्टार्ट मत कर देना प्लीज, मुझे क्लास में जाना है अब। मैं जा रही हूँ अपनी क्लास में। अच्छा चलो मैं भी चलती हूँ। चलो, मुझे देर हो रही है।